हाई एवरी वन माई नेमसीन वेलकम बैक टू दैनल द इन्वेस्टोलॉजी सो भाई आज का दिन भी जो हमारा इस साल का दूसरा दिन है वो भी बहुत अच्छा गया है एंड मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा मेजर फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुए थे बट वी वी आइडेंटिफाई द बेस्ट और हम लोगों ने आज भी जो भी टेलीग्राम पर ट्रेड्स लिए थे वो भी परफेक्ट so, रहे कल का हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरीके से चल सकती है बिकॉज आज ना आखिरी टाइम पर मैंने आपको टेलीग्राम पे दो चार्ट शेयर करें होंगे तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा और वो कैसे रिलेटेबल हो सकती है कल की मार्केट के लिए और क्या बाइंग या सेलिंग आ सकती है उस चीजों को भी डिस्कस करेंगे तो आज मैं एक या दो स्टॉक्स कवर करूंगा बिकॉज निफ्टी निफ्टी बैंक में कुछ अच्छी मूवमेंट्स आ रही है जिस पर हम ट्रेड ले पा रहे हैं तो रादर देन हम किसी और स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पर हमें अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं हम वहां पर भी फोकस करते हैं तो एक बार चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से कल की मार्केट रह सकती है चलते हैं अपने ट्रेडिंग तो so, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं तो हम लोगों ने ना बैंक निफ्टी में एक दो दिन से ट्रेड लेने हैं। जो कि अच्छा खास प्रॉफिटेबल जा रहे हैं सो so, एक बार बहुत अच्छे से समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के लिए होने वाले हैं मैंने अभी थ्री मिनट्स का बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड इस पर सबसे पहले आज हम लोगों ने ट्रेड कौन सा लिया और कहाँ पे लिया सो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट ठीक है सो लेट मी रिमूव दिस ट्रेंड लाइन इसका कोई यूसेज नहीं है सिंपल एनालिसिस है और मैंने एक लिंकडिन में एक आर्टिकल पब्लिश करा है जो मेरे साथ हो चुका था एंड कैसे हम ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल चार्ट पैटर्न्स देख के और सारी ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन देख के अगर इतना सिंपल होता तो हम हर बंदा ट्रेड कर लेता एक कोर्स परचेज करके बट अगर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा आप लोग लॉसेस कर रहे हो तो वो आर्टिकल मैंने लिंकड में डाल रखा है जिसका लिंक मैं नीचे और टेलीग्राम पर पब्लिश कर दूंगा वो जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं ठीक है बहुत नॉलेजेबल होगा अब एक बार सिंपल एनालिसिस करते हैं आ, ये एक बड़ी मूव आई तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया एक बार मैं फिबोनाची आपको लेकर दिखाता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप इसने पॉज लिया एग्जैक्टली सिक्सटी वन परसेंट पे ठीक है एंड जैसे फिफ्टी के ऊपर गया एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली ठीक है आफ्टर दैट अगेन इस फॉल से इसने एक अच्छी मूवमेंट करी अगेन एक इसने पॉज लिया अगेन वी यू फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगेन हमने देखा इसने सिक्सटी वन परसेंट पे पॉज लिया जैसे ही फिफ्टी को ब्रेक करा वैसे एक बड़ी मूवमेंट आई ठीक है अगेन ये जो मूवमेंट आई और आज के दिन ये जो फॉल आ रहा था ठीक है हम लोगों ने क्या करा है? इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची बनाया हम वेट करते रहे इस लेवल पे आया 61 परसेंट पे मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस ये एक टूल होता है जो हम यूज करते हैं फ़िक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये हमने यूज करा हमें पता चला कि यहाँ पर एक अच्छा बाइंग का जोन बन सकता ऊपर गया इस लेवल पे हम लोगों ने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दिया था कि इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो ये स्टॉप लॉस है एंड दिस इज अर टारगेट एग्जैक्टली हमारा टारगेट को हिट कर गया ठीक है हम लोगों ने फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड का कॉल ऑप्शन दिया था दो सौ दो सौ बीस के आसपास वो तीन सौ तीस तक होके आया था हम वहां पर एग्जिट कर गए आफ्टर दैट अब क्या हुआ यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा लेट मी रिमूव दिस एंड अब एक बार स्टार्ट अब वन मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ फिर हम लोग ने पेशेंसली वेट करा और कोई ट्रेड नहीं लिया ठीक है आफ्टर दैट अब आते हैं इस लेवल पे सॉरी थ्री मिनट्स का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ अब यहां पे जो कल होने वाला है उसका मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ ठीक है ये मार्केट गई थी एग्जैक्टली exactly इस लेवल को टेस्ट करके आई इस लेवल को टेस्ट करके आई ठीक है uh, तो जब मार्केट ने यहां पर रिजेक्शन देना स्टार्ट करा एट दिस पर्टिकुलर लेवल ठीक है हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक सिंपल बढ़िया मूव से ब्रेकआउट नहीं आएगा ठीक है आफ्टर दैट जब आप अगर चार्ट चेक करोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहां पर मैंने एक फोटो डाल दूंगा आप उसे चेक करना जब ये फॉल आया ही नहीं था जब ये चीजें ड्रॉइन हुई थी तभी हमने आपको बता दिया था कैसे देखिए यहाँ पर दो सिनारियों है ऑलरेडी एक बाइंग मोमेंटम चल रहा था एवरीबडी इज इन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन अ बाइंग साइड ठीक है अब मार्केट क्या है मार्केट इज डेफिनेटली वीक मार्केट अभी वीक चल रही है यूएस मार्केट को भी देखें तो वो भी स्लाइटली वीक चल रही है वो रिकवर करने की कोशिश करती है बट वो कूपअप नहीं कर पाती और नीचे आ जाती है हमें हमारा ट्रेंड पता है कि क्या है ठीक है इतनी चीज हमें पता चल गई सो वी नो दैट कि अब ये एक रेजिस्टेंस है मीचर इस लेवल को वो ब्रेक एक सिंपल वे पे नहीं करेगा अब क्या करेगा अब होगी स्टॉप लॉस हंटिंग स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होगा फॉल्स ब्रेकडाउन डाउन फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज लिख कर रखी हुई थी बट मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया था मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था मैं अवेलेबल नहीं हूँ मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मैं बता नहीं पाऊंगा बट मैंने ऑलरेडी रगा के रखा हुआ था यहां पर आप देख सकते हो नीचे आया और मैंने ऑलरेडी लिखा था बिलो दिस क्लोज इस लाइन के नीचे बिकॉज अगर आप चेक करोगे यहां से मोमेंटम आई और इस लेवल ने इस कैंडल ने एक अच्छी मूवमेंट दी थी ठीक है जो इस रेंज के अंदर आया था दैट मीनस कि अगर इस लाइन इस कैंडल के नीचे जाएगी तो एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए लोग वहां पर शॉर्ट्स बनाएंगे यहां पर आती है ह्यूमन साइकोलॉजी स की अगर बड़ी कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग आ गई बीयरिश की तो मेजर सीधा लोग यहाँ पर अपनी पोजिशन एग्जिट करेंगे और एक फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको तो पता ही है कि दो बजे बाद से एक बड़ी मोमेंट आनाबडी नोज दैट ठीक है तो अगर ये फॉल आता है और दो बजे अगर ये फॉल आ रहा है तो दैट मीनस की एक बड़ी मोमेंटम कैप्चर हो सकती है ठीक है ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख दिया था कि सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है कि इस लाइन के बिलो क्लोज होगा और ऊपर मैंने लिख दिया था हंड्रेड परसेंट ब्रेकआउट के चांसेस है रिजल्टिंग अगेन फॉल्स दैट मींस कि अगर इसके नीचे एक ब्रेकडाउन आया तो वो सेवेंटी परसेंट इसके नीचे तो क्लोज करेगा बट वो फॉल्स ब्रेकडाउन होगा मैंने सेवेंटी परसेंट ही लिखा बट ऊपर जाएगा तो हंड्रेड परसेंट ब्रेकआउट आएगा अगर यहां से दोबारा ऊपर गया तो हंड्रेड परसेंट इस जोन का ब्रेकआउट आएगा दैट मीन्स कि अगर आप लोगों ने यहाँ का शॉर्ट बनाया होगा तो डेफिनेटली इस रेंज के ऊपर ही आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा येस और सिंपल सी बात है तो यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी ठीक है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई फ्रेश एंट्री बनी शॉर्ट के लिए बने हो होंगी क्यों क्योंकि एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ठीक है।, है अच्छी बात है कि नहीं है यहां पर हम लोग लिख दिया रिजल्टिंग अगेन फॉल्स दैट मीन कि ये दोबारा नुकसान जाएगा यहां जितने लोगों ने बाइंग करी है

ठीक है मैं आपको दिखाता हूं इस लेवल पे ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस होगा पहला टारगेट ये मैं इसको जोन को बढ़ा देता हूं क्योंकि इस पूरी मूवमेंट का इस पूरी मूवमेंट का सिक्सटी वन परसेंट फेबोनाची लेवल ये आता है सो पहला टारगेट हम यही लेकर चलेंगे दूसरा टारगेट होगा जिस लेवल से मोमेंटम आना स्टार्ट हुई विच लेवल इज दिस ठीक है तो हम लोगों ने सिंपल बोल दिया था मैंने मैसेज डाल दिया था बट ऑलरेडी यहां पर तीन बच चुके थे तो कोई ट्रेड लेने का फायदा नहीं था ठीक है यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया था कि इसके नीचे जैसी जाता है मिनट मिनट की की कैंडल क्लोज करती है बी शॉर्ट पोजिशन अपनी बना लो ठीक है और इस जोन की इस कैंडल जहां स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लो बिकॉज अगर एक बार बाइंग की हंटिंग हो गई सॉरी एक बार जिन लोगों ने सेल करा उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया जिन लोगों ने बाय करा उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया दैट मीन्स कि अब मोस्ट probably वो नीचे ही जाएगा और हमारा नीचे का ही इंडिकेशन था तो अब यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने एक ट्रेड दे रखा है शायद कुछ लोगों ने बाय कराओ, हु मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बना रखी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बना है, बिकॉज टाइम कम था बट अगर आप लोगों ने नहीं भी बना है, तो भी आप बना सकते हो कैसे आपके पास दो ऑप्शन है कल अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है और इस जोन के नीचे इस लाइन के नीचे ये आप देख रहे हो डबल है इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है, ये 110 और टारगेट आएगा अगर इसके नीचे गया तो सिंपल टारगेट आप मान के चलो सिक्सटी वन जहां से रिवर्स करा है वो टारगेट भी आ सकता है और यहाँ पर मेजोरिटी माइंड स्टेबल था इसलिए बाई थी ठीक है ये नहीं कि सिंपल कोई पैटर्न देख लिए वो सारी चीजें देख लिया और ये चीजें ऑलरेडी बता दी थी सो so, अभी हमारा प्ले सिंपल शॉर्ट का है अगर कल इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं ये नहीं है कि मार्केट पे हम जो बोलेंगे वही होगा जो हमें चार्ट्स लेकर जाएगा हमें उसी डायरेक्शन में चलना है ठीक है सो आई एम जस्ट सेइंग कि जिस तरीके से परसेप्शन लग रहा है कि मार्केट कल नीचे जा सकती है अगर बाई चांस ऊपर खुलती है और ऊपर जाना स्टार्ट करती है हम अपना चेंज कर लेंगे एंड बाइंग साइड की तरफ फोकस करेंगे ठीक है सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी एक बार मैं निफ्टी दिखा देता हूँ गाइस मेक श्योर आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे है आप जाके हमें ज्वाइन करिए और चेक करिए कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ एक तारीख से लेके तीन तारीख आज हो चुकी है जो भी मैंने ट्रेड्स दिए हैं ट्राई टू फॉलो मैं चार्ट के साथ सेटअप देता हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है एक बार यूज करते हैं टू आवर्स का टाइम फ्रेम सो ना टू आवर्स टाइम फ्रेम निफ्टी की अब बात चल रही है तो निफ्टी में ना यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लेवल पे ना हर्डली फेस कर रहा है ये बहुत टाइम से ऊपर नहीं जा पा रहा और हम लोगों ने हर वीडियो के अंदर बात कर रही है एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी एटीन थाउजेंड टू थर्टी के ऊपर जाएगा तो हमारा होगा मतलब इस जोन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा हम अपना एक बाइंग सेटअप लेकर नहीं चलेंगे ठीक है तो लेट से कल बैंक निफ्टी नीचे जाता ही नहीं कल वो ऊपर उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और निफ्टी भी ब्रेकआउट दे देता है तो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे बिकॉज निफ्टी स्टेबल था निफ्टी ने आज ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दी है तो निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट बन सकती है रेदर देन बैंक निफ्टी के अंदर तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं ठीक है बट निफ्टी में मैं शॉर्ट की सलाह भी नहीं दूंगा बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक प्यारा सेटअप और एक फॉल्स ब्रेक डाउन ब्रेकआउट दोनों दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है तो वहां पर एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है वो चीज भी हमें चेक करनी है ठीक है सो निफ्टी बैंक निफ्टी का आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया होगा और मैं सेलिंग की तरफ क्यों इसलिए जोर दे रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूँ आखिरी बार ठीक है हमने देखा पहली बार तो जब यहाँ पर जिनते लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर जितने लोगों ने बाइंग बनाई थी उनका हिट हुआ और नीचे गया सो दैट मीन यहाँ पर दोबारा लोगों ने शॉर्ट पोजिशन एंटर करिए इन द सेंस कि शॉर्ट बाइंग शॉर्ट वाले लोग अभी भी एंटर है मार्केट के अंदर और बाइंग वाले थोड़े से साइडवेज है ठीक है सोच में है तो वो चीज हमें समझ नहीं है आई होप ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा बट आप अगर मेरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और जो मेरे साथ स्टार्टिंग डेज में होता ना मैंने उसके बारे में आपको बताया माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करा था तब की बात है मेक श्योर टू रीड दैट अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की सबसे पहला है है ठीक लेट मी जस्ट ओपन द एंड इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं सो वीकली चार्ट में ना स्टॉक इज वेरी गुड स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड एक बार मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके दिखाता हूँ okay, ये हमारा टॉप और ये हमारा लो ये बॉटम एग्जैक्टली exactly, इसने एक बुलिश साइफर पैटर्न डेवलप करा है लेट मी जस्ट शो यू दिस इज द बॉटम दिस इज व्हाट आई कॉलिशर पैटर्न जो एक्जैक्टली सेवेंटी पॉइंट एट पॉइंट सिक्स परसेंट से ऊपर जाना स्टार्ट करता है अपने अच्छे खासे सपोर्ट पे है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है एक बुलिश पैटर्न इसने डेवलप करा है तो आई थिंक दिस स्टॉक इज हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एक बार टू आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं सी दिस यहाँ पर बहुत टाइम तक इसने इस कैंडल के नीचे इन साइड कैंडल्स मेजर कैंडल थी यहाँ पर आया रिजेक्शन फेस करा आगे नीचे गया बट लास्ट आर के अंदर इसने इसका ब्रेक आउट दिया है सो तो अगर कल ओपनिंग में एक खुलता है और 367 के ऊपर जाता है तो ये हमें बाय करना है अदरवाइज बाय नहीं करना अगर ये दोबारा जोन के नीचे आ जाता है तो छोड़ देना अगर वॉच करते रहना बीच में कभी भी ऊपर गया क्लोजिंग दी पंद्रह मिनट की कैंडल की बुलिश तो बाय कर लेंगे इसके अलावा एक लास्ट टॉक में और दे देता हूँ

ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है बाय करने के लिए टू थर्टी एट टू थर्टी नाइन के आसपास जितने लोगों ने बाय कर रखा है पड़े रहे हैं जितने लोगों ने नहीं बाय करा वो के ऊपर फ्रेश एंट्री बना सकते ठीक है सो ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स थे ये मार्केट के एनालिसिस थी आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है सिर्फ चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन देखे हम कोई भी इधर उधर के ट्रेड नहीं ले सकते उसके बाद अपना हम लोग सीन बदल रहे हैं सिंपल साइकोलॉजी को समझो सिंपल मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो एक्चुअली में जो बाय और सेल कर रहा है वो ह्यूमन है और ह्यूमन के वो किस बेसिस पे बाय करा उसके इमोशंस अलग है उसके थिंकिंग प्रोसेस अलग है तो सबको समझना इंपॉर्टेंट नहीं है सबको हम समझ भी नहीं सकते अगर आप अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग खुद रखोगे सो तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ट्राई टू रीड मैं लिंक नीचे और टेलीग्राम दोनों में डाल रहा हूं पसंद आए तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना गुड डे आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो और समझ में आई हो बाय बाय